हमको जलाभिषेक करने का वहाँ अवसर प्रदान करे, वहाँ शिवलिंग की स्थापना करे, वहाँ मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करो। विधानसभा में एक धर्म विशेष के नमाज अदा का कमरा आवंटित करने का आदेश अगर हेमंत सरकार वापस नहीं लेती है तो भाजपा 8 को विधानसभा घेराव करने की घोषणा की थी। वहीं अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा प्रखंड विधानसभा घेराव करने पहुंची थी। इसमें महिला मोर्चा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी थे। जैसे कार्यकर्ता विधानसभा के समीप बने बैरिकेटिंग को तोड़ने का प्रयास किया, वहीं पुलिस ने पानी की बौछार भी कर दी। जब कार्यकर्ता इसके बाद भी नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में भाजपा के महिला नेत्री भी घायल हो गई। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भाजपा महिला मोर्चा की मंजुलता देवी और झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री ने सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए यहाँ पर हमारे कई लोगों को लाठीचार्ज के कारण उनको चोट लगी है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भाजपा के जो आदरणीय दीपक प्रकाश जी हैं, महिला मोर्चा की जो हमारी आरती कुजूर जी है, हमारे सांसद यहाँ स्थानीय जो संजय सेठ जी है, बहुत सारे लोगों को चोट लगी है। हमारे ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अमरदीप यादव जी, उनका माथा फटा है, अभी वो इलाजरत है। इस प्रकार लाठी और गोली से आवाज़ को दबाने की ये हेमंत सरकार कर रही है, जो किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आंदोलन और उग्र होगा। लोकतंत्र को दबाने का जो ये काम हुआ झारखंड सरकार, हेमंत जी की सरकार, आज लोकतंत्र की ये मतलब लाठी गोली की सरकार कब तक लोकतंत्र का आवाज़ को दबाने का काम करी, इसका विरोध करते हैं जो इस तरह से लागू कर रही है पुलिस कर्मी का। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये डंडे का निशान है, पीठ में है, और जिस तरह से मुझे घसीटते हुए मेरे बालों को पकड़ के और मुझे ऐसे टांग के कोई कीड़ा मकोड़ा हो उस तरह से घसीटते हुए पुरुष पुलिसकर्मी ले जाते हैं, ये राज्य के लिए, हमारे लिए ही नहीं, राज्य के महिलाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। हमारी संस्कृति में नारी को देवी माना जाता है, लेकिन ये हेमंत सोरेन सरकार लगातार महिलाओं को अपमान करने का काम कर रही है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करती है। आज हम महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वहाँ जो तुष्टिकरण नीति के तहत जो कमरा अलाट किया गया है उसको वापस नहीं किया, रोल बैक नहीं किया, हम यहीं बैठेंगे। नहीं तो सोमवार को हमको जलाभिषेक करने का वहाँ अवसर प्रदान करे, वहाँ शिवलिंग की स्थापना करे, वहाँ मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करो, हम आरती करेंगे। बुधवार को गणेश जी की आरती करेंगे, बृहस्पतिवार को बगलामुखी आरती करेंगे, शुक्रवार को हम संतोषी माती आर, और शनिचर कहीं चढ़ गया तो कुर्सी चली जाएगी, इसलिए शनि भगवान को वहाँ तेल भी चढ़ाएंगे, और रविवार को हमारा सूर्य भगवान सूर्य देवता का जलार्पण करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।